हादसे में शहीद जवान का शव घर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना डिलारी क्षेत्र के रहने वाले जवान दो दिन पहले श्रीनगर में हादसे में शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग के लिए टीम निकली थी, जिसमें चार सीआरपीएफ के जवान गाड़ी में सवार होकर पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे। पेट्रोलिंग कर रही गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसमें मुरादाबाद के जवान नरेश सिंह गौतम शहीद हो गए और साथी जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिनका इलाज चल रहा है। शहीद हुए जवान का शव देर रात घर लाया गया, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शहीद हुए जवान के लिए सभी की आंखें नम हैं। वहीं ग्रामीणों ने किसी भी जनप्रतिनिधि के न आने पर आक्रोश जाहिर किया है। मुरादाबाद जनपद डिलारी के रहने वाले जवान की श्रीनगर में हुई शहादत के बाद पूरे मुरादाबाद जनपद में गम का माहौल है। दो दिन पहले सड़क हादसे में डिलारी के रहने वाले जवान शहीद हो गए थे, जिनका शव मुरादाबाद में शनिवार सुबह तड़के लाया गया। शव घर आने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जवान का शव जब घर लाया गया तो सैकड़ों की तादाद में क्षेत्रवासी जमा हो गए और सबकी आंखें नम हैं। और ग्रामीणों में आक्रोश ये भी है कि जवान की शहादत पर उसका शव घर आने के बाद अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहां नहीं आया है। सिर्फ सीआरपीएफ के अधिकारी और मुरादाबाद जिला प्रशासन के अधिकारी शहीद जवान के घर मौजूद हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक मृतक परिवार से किसी भी जनप्रतिनिधि ने मुलाकात नहीं की है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी है। ये जो नरेश भाई हमारे शहीद हुए हैं फौजी साहब, इनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? नरेश यहाँ बिलारी के रहने वाले हैं और ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में तैनात थे जी। वहाँ रात को बताया गया, जैसे कि हम अगर रात को ड्यूटी के लिए गए थे, साहब के साथ प्रोटेक्शन में थे, उसी साहब के साथ उसी समय वापसी में आते हुए हम गाड़ी का टायर जो खड्डे में आया और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और गाड़ी नीचे चली गई, उसी गाड़ी के नीचे ये दब गई। गाड़ी में कितने सवार जवान थे? गाड़ी में चार सवार थे, जिसमें कि जिनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और बाकी एक मेजर इंजरी है, दो चार लोगों की चोट आई है। ये गाड़ी के नीचे दब गए थे, जिसके कारण ज़्यादा। ये घटना किस टाइम घटी थी, किस तारीख की थी? ये घटना 17 तारीख की घटना है, ये रात को 12 बजे का। कोई जनप्रतिनिधि क्षेत्र का यहाँ कोई आया? 16 तारीख की घटना है, रात को 12 बजे। अभी यहाँ जब देखा गया कि चार के रास्ते तो काफ़ी यहाँ आए हैं फौजी लोग, उन्होंने तो काफ़ी मदद की, हेल्प किया है और इतना साथ दे रहे हैं परिवार का, सब कुछ पूरा। सीओ साहब ने भी लेटर लिख के भेजा है कि परिवार के लिए जो भी कुछ है मदद है वो हर प्रयास करेंगे, पूरा करेंगे। उसको एसडीएम साहब भी यहाँ आए थे, एसडीएम साहब ने भी बुलाया कि यहाँ से जो भी गेट वोट बनना है उनके नाम से उनके याद के लिए बनवाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो सरकार है, जो यहाँ के MP हैं, यहाँ के MLA हैं, ये जो हमारे भाई नरेश जी जवान शहीद हुए हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? ये नरेश गौतम हमारे गांव का एक अच्छा युवा था, गरीब परिवार से था और इसने अपने बलबूते और मेहनत पर अपना स्थान बनाया था, देश सेवा में गया था। पूरा गांव इस पर बहुत गर्व करता है और मैं भी इस बच्चे पर बहुत गर्व करता हूँ। इसने मजदूरी करके अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की थी, इसके पिता भी मजदूर हैं और वो भी मजदूरी करते ही अपने घर का खर्चा चलाते हैं। इसका बड़ा भाई भी आर्मी में है, जो इस समय शायद मिजोरम में तैनात है। दोनों भाई ये देश सेवा में लगे हैं, इसलिए मुझे इस बच्चे पर बहुत गर्व है और ये डिलारी में एक इसका इतिहास बना है कि इस पर यहाँ से छोटे से गांव से निकलकर एक बालक सीमा पर जाके शहीद हुआ है। जब छुट्टियों में आते थे तो कैसा महसूस करते थे? बहुत व्यवहार कुशल था ये बच्चा, इसकी कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल, न गाँव में मोहल्ले में कोई शिकायत नहीं है। सबसे बहुत मिलनसार बालक था, बहुत अच्छा बच्चा था। वहीं शहीद हुए जवान के पिता का हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हादसा दो दिन पहले हुआ था, जिसमें नरेश सिंह गौतम जीप पलटने में शहीद हो गए और गाड़ी में मौजूद तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज श्रीनगर में ही चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के बाद सीआरपीएफ और जिला प्रशासन के लोग आ गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने मृतक के परिवार से कोई भी मुलाकात नहीं की है। भले ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार फौजियों को सम्मान देने की बात करती हो, लेकिन मुरादाबाद के बेटे की शहादत के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि मृतक जवान के घर अभी तक नहीं पहुंचा है। जिताओ, ये जो हमारे जवान शहीद हुए हैं आपके पुत्र हैं, थोड़ी जानकारी चाहता था किस तरह शहीद हुए हैं, कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे? श्रीनगर ड्यूटी चल रही थी, ड्यूटी करके आ रहे थे, गाड़ी पलट गई। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में चार लोग, चार दो अफसर, दो कॉन्स्टेबल।
दो अफसर थे और दो ही थे। तो बाकी की चोट लगी है या बाकी भी जो है? तीन घायल हैं। तीन घायल हैं। आखिरी बार घर कब आए थे ये? एक महीना हुआ। गए हुए कहे हुए एक महीना हुआ। 10 तारीख में गए थे।